कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले हम एक इमेजिनरी क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, जो कि क्या होती है? अंडर रूट माइनस वन। अब तक आपने रियल नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जब माइनस आ जाए तो इसे कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर। क्या कहा जाता है इसको? इमेजिनरी नंबर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन। और इसको डिनोट किया जाता है आयोटा से। आयोटा, आई ओ, क्या रीड करेंगे इसको? आई ओ टी ए, आयोटा। क्या पढ़ेंगे इसको? आयोटा, ठीक है। आई नहीं है ये, आयोटा है, ठीक है। सो आयोटा की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट माइनस वन। अंडर रूट माइनस वन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। अगर आयोटा का आप स्क्वेयर करेंगे, देखो रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वेयर कितना आ गया? माइनस वन। रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वेयर कितना आएगा? माइनस वन। आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब कितना आएगा? आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर इज माइनस वन इंटू आयोटा, कितना हो गया? माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर करोगे तो कितना आ गया? माइनस वन। आयोटा का स्क्वेयर किया तो क्या आ गया? माइनस वन, क्योंकि स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया। आयोटा क्यूब क्या होगा? आयोटा क्यूब क्या होगा बताओ? आयोटा क्यूब को आप लिखोगे आयोटा स्क्वेयर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वेयर कितना होता है? माइनस वन इंटू आयोटा, क्या आ जाएगा ये? माइनस। आयोटा स्क्वेयर पता है ना माइनस वन होता है, देख लीजिए। आयोटा की पावर फोर को क्या लिखोगे? आयोटा की पावर फोर, इसको आप लिखेंगे आयोटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। आयोटा स्क्वेयर कितना होता है? माइनस वन, इसका होल स्क्वेयर कितना? वन। आयोटा टू द पावर फाइव निकालोगे तो कैसे फाइंड करोगे? आयोटा टू द पावर फोर इंटू आयोटा, आयोटा टू द पावर फोर इंटू आयोटा, आयोटा टू द पावर फोर इंटू आयोटा। आयोटा की पावर फोर क्या होता है? वन, राइट। तो वन इंटू आयोटा कितना आ गया? आयोटा। अगर आप आयोटा सिक्स फाइंड करते हैं, आयोटा सिक्स, आयोटा फोर इंटू क्या लिखेंगे इसको? आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा फोर की वैल्यू क्या है? कल्याणी बेटा सात तक लिखना होता है, कल्याणी क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा। अभी उठे आयोटा सेवन अगर निकालते हो तो क्या लिखोगे? आयोटा फोर इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा फोर से जो भी बड़ी पावर आएगी वो आयोटा फोर की हेल्प से ही निकालनी है। आयोटा फोर क्या होता है भाई? वन। आयोटा क्यूब, और एक से चार तक, एक को तो याद रखने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आयोटा अंडर रूट माइनस वन होता है तो वैसे भी पता होना ही चाहिए। आयोटा स्क्वेयर इज माइनस वन, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा फोर इज वन। ये चारों वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए? ये तीन एंड दिस, ये चारों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आयोटा स्क्वेयर माइनस वन, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा फोर इज वन। आयोटा सेवन को अगर आप निकालोगे आयोटा फोर इंटू आयोटा क्यूब, क्या हो जाएगा बच्चों? ये दिस इज व्हाट? आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, सो ये माइनस आयोटा आएगा। आयोटा एट को आप लिखोगे आयोटा फोर का होल स्क्वेयर, आयोटा फोर का होल स्क्वेयर, ठीक है। आयोटा फोर इज वन, इसका स्क्वेयर दैट इज वन। आयोटा नाइन को क्या लिखोगे? आयोटा फोर का होल स्क्वेयर इंटू वन, इंटू आयोटा, सॉरी ऐसा ही लिखेंगे। फोर की पावर टू एट हो गया और इंटू में आयोटा, तो आयोटा फोर वन होता है, वन का स्क्वेयर वन इंटू आयोटा, वन इंटू आयोटा दैट इज आयोटा, ठीक है। अब आपको ये कंटिन्यू करना है, ये आपको 25 तक फाइंड आउट करना है। आयोटा की पावर 25 तक आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। बिगनिंग से करना स्टार्ट करो, अगर आपने नहीं किया है तो बिगनिंग से लिखना स्टार्ट करो और इसको 25 तक कंटिन्यू करना है। देखो आयोटा की पावर 921 फाइंड करना है,
आयोटा की पावर 921 फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करो, 921 को 4 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, 4 टू जा 8, 1, 4 थ्री जा 12, ठीक है, 1 रिमाइंडर बचा है। तो आप इसको क्या लिखोगे बच्चों, आयोटा टू द पावर 4, क्या लिखोगे इसको, आयोटा टू द पावर 4, मतलब इसकी पावर कितनी, 23 इंटू इंटू एक पावर बच गई ना, इसको इंटू आयोटा की पावर 1 लिखोगे, और आयोटा की पावर 4 कुछ भी हो, आयोटा 4 की पावर कुछ भी हो, आयोटा 4 1 होता है, आयोटा 4 क्या होता है, 1, 1 की पावर 23 1 हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा क्या आ गया, आयोटा। सो कुछ भी पावर आए सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करो, बताता हूँ, वीडियो को पॉज कर दीजिए और ये क्वेश्चन कीजिए। आयोटा टू द पावर 2024, इसको ट्राई करो, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया वैसे, कोई बात नहीं, करो वीडियो पॉज करके करो, आई थिंक कि कर लिया होगा आपने। अब आ जाओ इधर देखो जरा, 2024 को सबसे पहले क्या किया आपने, 4 से डिवाइड किया, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन बन गया आपके लिए। 22 को नीचे लाए, डिवाइड नहीं हुआ 0, अरे डिवीजन तो सिखा रहा हूँ 11वीं क्लास में हो, 11वीं क्लास में हो यार आप, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे अभी, आयोटा 4 की पावर कितनी, 506, और आयोटा 4 क्या होता है, 1, तो 1 की पावर 506। अब इसकी पावर भी अगर मुझे बतानी पड़ेगी तो वेरी गुड, तो 1 आ गया, ठीक है, बतानी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोटा की पावर 19325, इसको ट्राई करो। चलो अभी आ जाओ इधर, कर लिया होगा आपने, 19325 को डिवाइड किया आपने, किससे डिवाइड किया बताओ जरा, 4 से, 3 बचा, 4 8 32 हो गया, 4 3 12, 5 को नीचे ले आए, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर इज 1, इसको क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 4 8 3 1, लिखो या ना लिखो ये बंद करना है, इंटू क्या, आयोटा की पावर, आयोटा की पावर 1, तो कितना आ गया, आयोटा, ठीक है, तो निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी आ जाओ, 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, रैशनलाइजेशन आप सबको आता है, 1 अपॉन आयोटा को रैशनलाइज कर दो, आयोटा अपॉन आयोटा से रैशनलाइज कर दिया, ऊपर क्या बन गया, 1 इंटू आयोटा, आयोटा बन गया, और नीचे बन गया आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर, और आज ही हमने पढ़ा है आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वेयर कितना होता है, माइनस, आयोटा स्क्वेयर कितना होता है, -1, तो क्या आ गया इसका आंसर, माइनस आयोटा। 1 अपॉन आयोटा कितना होता है, फिर से निकालो एक बार अपने हाथ से निकालो, वीडियो पॉज करके अपने हाथ से निकालो, 1 अपॉन आयोटा क्या आएगा, करो अपने आप खुद से, कर लिया सभी ने ये, 1 अपॉन आयोटा, इसको रैशनलाइज किया, आयोटा अपॉन आयोटा, ऊपर आ गया आयोटा, ऊपर कितना आ गया आयोटा, और नीचे क्या आ गया, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वेयर हो गया, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1, माइनस को ऊपर लगा दो, अब इसको रट्टा मार लो, 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, बस करना आ गया ना, अब इसको याद रखो, 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, बोलो 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, याद हो गया सबको, आगे से जब भी यूज करना पड़े डायरेक्ट यूज करना है, इतना बड़ा सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अगला मैंने कभी क्वेश्चन, ये एक्सपीरियंस किया है कि श्रीचंद्र ने कि जो मॉडल होती है पलटती है, पेज ही उसको पलटता है, बाइंडिंग कर। अब बच्चों हम आते हैं, अब बच्चों हम आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो अभी अभी हमने सीखा कि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, और आयोटा किस क्या होता है, अंडर रूट -1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं, ये सबने सीख लिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है यूजुअली जेड से, रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, इससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जैसे कि एक नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसा नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख देते हैं जेड इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा,
जेड इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे सेट के आगे लिख देते थे ना, ए इज ए सेट, बी इज ए सेट, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे जेड लिख देते हैं। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2+3 बेटा। ये जो 2 है ये इसका रियल पार्ट है, क्या है? रियल पार्ट है, क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? ये, और ये 3 आयोटा है, ये क्या है इसका? इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन इस 3 आयोटा में सिर्फ 3 इमेजिनरी पार्ट है। 3 आयोटा में क्या इमेजिनरी पार्ट है? 3 आयोटा की वजह से वो इमेजिनरी है, आयोटा की वजह से वो इमेजिनरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो ऐसे होता है, a+iota b, ठीक है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने पार्ट होते हैं? 2। कौन कौन से? रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ऐसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या लिखेंगे? a। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज a, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज b। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो क्या है? a है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? b। रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज a, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज b। चलो बच्चों बताओ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की ये क्या है, कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड। बोलो, डी ए आर डी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। कई सारे स्टैंडर्ड होते होंगे भाई, पता है, इसलिए बच्चों से पूछ लेना बेटर होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता लगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, a+iota b, हो सकता है बुक में क्या लिखा हो, x+iota y, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट y, ठीक है। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में आएगा कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक 2, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप कहोगे कहां से कॉम्प्लेक्स नंबर है, बना देते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, 2+0iota। कभी कभी आपके पास लिखा हुआ मिलेगा z=3iota, आप कहोगे इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो बना देते हैं इसमें रियल पार्ट, 0+3iota, बन गया रियल पार्ट भी, बन गया इमेजिनरी पार्ट भी, बन गया, करेक्ट। चले आगे, ओके चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको पता लग गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a+iota b, राइट, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? ए है। मान लो मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं 2-3iota, बताओ इसका रियल पार्ट कितना है? 2। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है? -3, ठीक है। लिखो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, z=-2+3iota, बताओ रियल पार्ट कितना है? -2। बताओ इमेजिनरी पार्ट? 3। समझ आया? लाइक दिस, ठीक है। एक होता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो रियल भी और कॉम्प्लेक्स भी, बड़ी अजीब सी बात हो रही है। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल होता है बच्चों जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो, z=2+0iota, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? प्योरली रियल है। एक होता है z=0+3iota, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? प्योरली रियल। दूसरे वाला कैसा है? प्योरली कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। पहले वाला प्योरली रियल था, ये भी होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको दे दूं z=iota^19 +1/iota^19, या 19 की जगह कुछ और भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे? iota^19, या चलो मैं दूसरे वाले को बदल देता हूँ, इसको 99 कर देता हूँ। अब iota^19 आ गया, तो पहले तो आप 19 को 4 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा बताओ? 4 4 जा 16, 3 बच गया,
तो आप इसको क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 4, इसकी पावर 4 और आयोटा क्यूब। अब 91, 99 को क्या लिखोगे, 99 को भी 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 8 1 बचा, बोलो 4 4 16 कितना बचा, 3। तो इसको क्या लिखोगे, 1/4 आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर कितना, कितनी, 24 इंटू आयोटा क्यूब। बताओ आयोटा 4 क्या होता है, 1 1 की पावर 4 1, बचा क्या, आयोटा क्यूब। तो ये तो आ गया 1, और आयोटा क्यूब की वैल्यू बताओ माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, प्लस यहाँ पर बताओ आयोटा 4 इज 1 और उसकी पावर 24, 1 की पावर 24 क्या बन गया, 1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। समझ आया, बोलो आया कि नहीं आया, लिखना तभी है जब समझ आए, नहीं समझ आए नहीं लिखना है। ये हो गया माइनस आयोटा, प्लस ये बताओ 1/4, तो इस माइनस को यहाँ लगा दूँ, ये माइनस आयोटा बनेगा, इसको बीच में लगा दूँ, 1/4 दिस। अच्छा आज ही मैंने बताया आपको 1/4 आयोटा क्या होता है, 1/4 आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा। तो इसको क्या लिखोगे, माइनस आयोटा, राइट। ये आयोटा था और ये माइनस आयोटा, कितना बन गया, प्लस आयोटा, और फाइनल आंसर 0। गॉट इट, फाइनल आंसर कितना, 0। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड करना है। चले आगे, चलो बुक का पहला क्वेश्चन बताओ क्या है, बुक का फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, 5.1। बताओ पहला क्वेश्चन बताओ क्या है, 5i - 3/5 iota. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो 5 को 5 से कट कर देंगे, बचा क्या, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 3 एज इट इज रहेगा, और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो कितना बन गया, माइनस 3, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1, कितना आ गया, 3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको लिखोगे 3+0 आयोटा, क्या लिखोगे, 3+, ठीक है, करो आगे ट्राई। पर नेगेटिव में जा रही है, आयोटा टू द पावर -39। देखो बच्चों 39 को डिवाइड करो, 39 को 4 से डिवाइड किया, क्या आया बोलो, 36 आ गया, बचा 3। तो इसको क्या लिख लेंगे, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर -9, कितना हो गया, -36 हो गया, और साइड में कितना बचा, आयोटा -3, ये बचेगा -36 और -3, हो गया 39। ये तो हो गया 1, 1 की पावर माइनस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 1 हो गया। आयोटा क्यूब क्या होता है बच्चों, इसको चलो तुम्हारा मन है तो नीचे लिख लो, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, ठीक है, तो क्या आ गया माइनस, अच्छा माइनस को बाहर लगा दो, अब बचा 1/4 आयोटा, और 1/4 आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा, आंसर आ गया आयोटा। सर स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग में कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मन करता है वैसे कर लो। यहाँ जो अभी एक बार 8 क्वेश्चन समझ लो, देखो 8 क्वेश्चन में क्या है, 8 क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, जेड आपको दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा और इस पूरे की पावर 4, ठीक है बच्चों, 8 क्वेश्चन समझ लो पहले, फिर करते रहना। देखो जरा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और फिर कंप्लीट का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर 4 पावर थी, 1 माइनस आयोटा की 4 पावर है, इसको क्या लिख दिया, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर एंड देन अगेन होल स्क्वायर, अंदर वाले 1 माइनस आयोटा स्क्वायर को ओपन करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करना है, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, माइनस नहीं है, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 आयोटा एंड देन कंप्लीट होल स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर इज 1, दिस इज आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 माइनस 2 आयोटा एंड दिस होल स्क्वायर, दैट इज इसको इससे कट कर देंगे, क्या बचेगा, माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया आयोटा स्क्वायर,
माइनस टू स्क्वेयर क्या हो गया फोर, और आयोटा का स्क्वेयर फोर इंटू आयोटा स्क्वेयर इज माइनस वन, आंसर क्या आ गया माइनस फोर। समझे, करो आगे करो, इसको कंप्लीट करो। नाइन्थ क्वेश्चन देखो क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन में नाइन्थ क्वेश्चन करो बच्चों, जरा आओ इधर। वन बाई थ्री प्लस थ्री आयोटा, समझ लो इसको, बाद में कर लेना अगर नहीं कर पहुंचे हो यहाँ तक। दिस देखो होल क्यूब ओपन करना है, बताओ ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी बताओ मिलन। यस मिलन, बस बस नहीं, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर। ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर। ध्यान दो इधर, ठीक है, जैसे लगाओ इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करो। ए क्यूब वन बाई थ्री का क्यूब ए क्यूब बी क्यूब थ्री आयोटा का क्यूब थ्री आयोटा का क्यूब प्लस थ्री ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर का मतलब वन बाई थ्री का स्क्वेयर, बी मतलब थ्री आयोटा, थ्री ए स्क्वेयर भी हो गया। नेक्स्ट इज थ्री ए बी स्क्वेयर, थ्री ए का मतलब वन बाई थ्री, बी स्क्वेयर थ्री आयोटा का स्क्वेयर, ठीक है, वन बाई होल क्यूब। समझ आया ऊपर वाला, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर। टर्म्स ए को वन बाई थ्री रखना है, बी को थ्री आयोटा रखना है, ठीक है। वन बाई थ्री क्यूब दैट इज वन बाई ट्वेंटी सेवन, इस थ्री का क्यूब क्या होगा ट्वेंटी सेवन, वन का क्यूब तो पता है आप सबको, वन होता है, मुझे उसमें ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। ये क्या बनेगा भाई, थ्री का क्यूब हो गया नाइन, सॉरी थ्री का क्यूब हो गया ट्वेंटी सेवन इंटू आयोटा क्यूब प्लस दिस इज थ्री इंटू वन बाई थ्री का स्क्वेयर क्या हो गया नाइन इंटू थ्री आयोटा प्लस, इसको कट कर दो, ये कितना आ गया नाइन आयोटा स्क्वेयर, इसको भी इससे कट कर दो बच्चों थ्री आ जाएगा। अच्छा पूरा ही कट हो रहा है, अरे वाह ये तो लॉटरी लग गई हमारी तो, यहाँ थ्री था थ्री से थ्री पूरा नाइन कट हो। वन बाई ट्वेंटी सेवन प्लस आयोटा की, कभी भी क्वेश्चन आपके आंसर में आयोटा की पावर वन से बड़ी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 27 यहाँ तो दिखाई दे रही है आयोटा की पावर वन से बड़ी, आयोटा क्यूब, अब आयोटा क्यूब की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है माइनस आयोटा, कितनी होती है माइनस आयोटा प्लस दिस इज वन, वन इंटू आयोटा क्या बनेगा अभी आयोटा, वन इंटू आयोटा क्या बनेगा आयोटा प्लस नाइन, बताओ इसकी वैल्यू आयोटा स्क्वेयर क्या होता है। मैंने बोला ना आंसर में कभी भी आयोटा की पावर एक से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो नाइन इंटू आयोटा स्क्वेयर कितना है माइनस वन, सो इट इज वन बाई ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन आयोटा और प्लस आयोटा और माइनस, ये कितना हो गया माइनस का नाइन। तो क्या बचा बच्चों देखो, वन बाई ट्वेंटी सेवन और नाइन बताओ कितना आएगा टू फोर्टी थ्री, वन बाई ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन और माइनस यहाँ पर ये कितना हो गया माइनस ट्वेंटी सिक्स आयोटा, ये कितना हो गया इसको कैलकुलेट करो, माइनस टू फोर्टी थ्री ट्वेंटी सेवन नाइन जा कितना होता है थ्री की पावर फाइव हो गया ना टू फोर्टी थ्री, बिल्कुल ठीक है, यदि उसने बोला है तो चल वही निकल, ठीक है। कितना बचा बच्चों टू फोर्टी टू माइनस का अपॉन ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सिक्स आयोटा, एक बार इसका आंसर चेक करो जरा। आओ बच्चों इलेवेंथ क्वेश्चन क्या है, इलेवेंथ क्वेश्चन बताओ जरा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मान लो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा भी, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा भाई, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड कितना होगा वन अपॉन ए प्लस आयोटा भी, यानी कि जेड का रेसिप्रोकल कर दो। जैसे फाइव है नंबर, फाइव है, फाइव का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है वन अपॉन फाइव, इसी टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है।
उसके बाद इसको बच्चों रैशनलाइज करके ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चेंज करना है, रैशनलाइज करके इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चेंज करना है। जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 कितना दिया हुआ बताओ, जेड कितना दिया हुआ है, 4 माइनस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ जेड 1/4 माइनस 3 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर दें, 4+3 आयोटा अपॉन 4+3 आयोटा, राइट। ये जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स था, रैशनलाइज किया तो आयोटा पार्ट का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। ये क्लास 9th में रैशनलाइजेशन आपने सीखा होगा। तो ऊपर तो क्या आएगा न्यूमरेटर में, तो 4+3 आयोटा ही रहेगा नीचे। अच्छा एक बात और सुनो, सभी लोग देखेंगे, परीक्षा भी देखेगा, देखो a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी क्या होता है भाई, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वेयर, ठीक है। दिस इज ए स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर और बी स्क्वेयर, बट हमें पता है कि आयोटा स्क्वेयर क्या होता है, माइनस वन, तो ए स्क्वेयर माइनस में ये माइनस वन इंटू बी स्क्वेयर क्या बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर। तो नीचे बच्चों a प्लस ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी है, या तो आप पूरा ब्रैकेट ओपन कर लो, नहीं तो उस आइडेंटिटी को यूज कर लो कि a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी क्या होता है, ये इसका रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वेयर, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वेयर, सीधा लगा, ठीक है। तो रियल पार्ट कितना है 4 का स्क्वेयर 16 प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस थ्री, ठीक है, माइनस थ्री का स्क्वेयर 9 कितना बन गया 4+3 आयोटा अपॉन 25, बट ऐसे नहीं छोड़ना है इसको, हाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है, 4/25 + 3/25 आयोटा ऐसे करो, ठीक है, करो कंटिन्यू करो। देखो बच्चों 14th पे आ जाओ, 14th क्वेश्चन बताओ जरा मुझे, क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, ये आपका 14th क्वेश्चन है। अब न्यूमरेटर में देखो जरा क्या है, 3+iota√5 × 3−iota√5, तो ये क्या बन गया, a+iota b × a−iota b, या तो आप पूरा प्रॉपर ब्रैकेट ओपन कर लो, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लगा लो, या जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था a − iota b a + iota b क्या होता है, ए स्क्वेयर रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, बी, तो बी का स्क्वेयर। तो ए क्या है यहाँ पर, ए है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है, √5 प्लस में √5 का स्क्वेयर, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। बेटा अभी तो सिखाया था कि जब ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी को ओपन करते हैं तो क्या आएगा, ए का स्क्वेयर माइनस आयोटा बी होल स्क्वेयर, राइट। सो ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और ये आयोटा स्क्वेयर क्या हो जाता है, माइनस वन, ये आयोटा स्क्वेयर आयोटा बी का होल स्क्वेयर था, तो आयोटा स्क्वेयर बी स्क्वेयर आया, ध्यान से सुनो ये आयोटा स्क्वेयर क्या हो जाता है, माइनस वन, तो क्या बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये माइनस वन यहाँ लिखोगे तो इनटू में क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर दैट इज माइनस वन इंटू बी स्क्वेयर। तो ये जो माइनस वन आया ये आयोटा स्क्वेयर की वजह से आया, और ये माइनस इसके साथ मिलके क्या बना देगा, प्लस। ये जो आंसर आता है इसमें कोई आयोटा नहीं होता, क्योंकि वो आयोटा स्क्वेयर माइनस वन बन के इसके साथ मल्टीप्लाई हो चुका, प्लस बन चुका है, यानी कि आपको क्या करना है, जस्ट 3 का स्क्वेयर करना है और √5 का स्क्वेयर करना है, जो साथ में आयोटा स्क्वेयर था वो माइनस बना, माइनस बन के बीच के माइनस को उसने क्या चेंज कर दिया, प्लस। अच्छा नीचे आपको क्या करना है, जस्ट ब्रैकेट ओपन करने, अगर आपको ये नहीं समझ आया हो तो आप पूरा इसको ओपन करके देख लेना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से नीचे ब्रैकेट ओपन करो, √3 + √2iota माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, √3 − − + iota √2, क्लियर हुआ।
अब देखो बच्चों ये दोनों कट हो गए, क्या हो गया, कट हो गया जी, ठीक है। क्या बचा, 9 + 5 / √2i और √2i, 2√2i बन गया, क्या बन गया, 2√2i बन गया, दोनों ऐड हो गए। आर्यन यहाँ देखो, दिस इज 14 / √2i, इससे इसको कट कर लो, 7 / √2i, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कर दो, किसको रैशनलाइज करोगे, √2i और √2i इनवर्स क्यों करेंगे, इनवर्स क्यों करेंगे, इनवर्स थोड़े ना निकालना है, ऊपर वाले क्वेश्चन में था इनवर्स निकालने वाला, ध्यान दो इधर, जस्ट इसको रैशनलाइज कर दिया तो ऊपर तो आ गया 7√2i और नीचे क्या बना भी, √2 × √2 और iota into iota square 7√2i / iota² is -1 तो 2 × -1 - 2 बन गया, माइनस को ऊपर लगा दो, -7√2 / ये आपका आंसर, करो जरा इसको कंप्लीट।